तो बुक्स निकाल लो अपनी, पेंसिल निकाल लो, आप निकाल लो, यस रेडी? मैम, यस मैम। ओके, दिख रहा है आपको? मैम बोल रहे हैं मैम। रुक जा, आएगा। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? फिर एक मिनट, मैंने फोन से नहीं कनेक्ट कर, और एक मिनट में फोन से कनेक्ट कर लूँ, तुमसे पता नहीं चलेगा कौन है। एक मिनट, अच्छा भूल ली, एक मिनट। पहले मेरे को बताओ, कल आंसर लिखते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम आई थी? नो मैम, नो मैम। ठीक है, गुड, नहीं आई। ऑलराइट, सबको दिख रहा है आप स्क्रीन? यो यो ओके, सो आप लोगों का पेपर है ये, हिमाचल बोर्ड का, एक बार देख ही लेते हैं, बैठे ही हैं तो। इस बार तो आपका 50 मार्क्स का होगा, करेक्ट? मैम, 60 का यो, नो 60 मैम, मार्क्स। 60 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तो एग्जैक्टली 60 मार्क्स का ही है। इंस्ट्रक्शन देखो, बहुत आराम से लिखी है। व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन, यू मस्ट इंडिकेट ऑन योर आंसर बुक द सेम क्वेश्चन नंबर। तो मैं कल भी बोल रही थी कि अगर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके 3 पार्ट है, ए बी सी, तो जितनी बार भी आंसर करोगे, आंसर 5 का अगर ए पार्ट लिखे हो तो पूरा लिखोगे, आंसर 5 का अगर बी पार्ट लिखे हो तो पूरा लिखोगे, है ना? और लाइन के अंदर लिखना है, याद है? पहली इंस्ट्रक्शन यो वही है, बेसिक सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा मत करना यार, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यहाँ कर रहे हो तो सी पार्ट अगले किसी पेज पे कर रहे हो, मत करना, एक साथ ही करना क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी, अगर इंटरनल चॉइस वो और वाले में आपको मिल जाएगी, और तो कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है 1 मार्क की होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर करके आते हो, तो अटेम्प्ट जरूर करके आना। अगर एमसीक्यू नहीं भी आया, तुक्का जरूर मानना एटलीस्ट, ठीक है? 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आपका, छोटे छोटे लिखने हैं, और इन्होंने वर्ड्स मेंशन करे हैं, 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स लगभग कितनी लाइंस हो जाती है? मैम 2 या 3 लाइंस हो जाएंगी। हाँ, 2 to 3 लाइंस, मैक्सिमम 4 and a half जाते, 4 मतलब 3 and a half जाते हैं। 4 सेक्शन मैम सी के पास आपके पास 3 मार्क के क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 100 से 120 वर्ड्स है, तो कितने हो जाएगी लाइंस? 7 to 8। इसको डबल कर लो ना यार, 3 है ना, लेट्स से 4, 4 का 8, मैक्सिमम 8 जाएगी, 8 to 9 लाइंस मोर देन इनफ है। आप अगर कोई बहुत पास पास लिखता है तो यार वो समझ जाना कि थोड़ा सा एक्सटेंड करने। और लास्ट में आपको 5 मार्क क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको तरीका बताया ना, यस मैम, और आपने उसी पैटर्न से बनाना है, ठीक है? इसके लिए वर्ड्स ही छोड़ते हैं, आप उसी पैटर्न से लिखना तो आपका आंसर बढ़िया बन जाएगा, राइट? अभी 1 मार्क क्वेश्चन है। हाँ बेटा, गलती से हो गया था। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो ये देखो हम जो पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आता है, तो वो हमें ना पेपर लगा के पता चलता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, अगर मैं कुछ पढ़ा हूँ मैं बोलूँ उसे पेपर आ रहा है तो विश्वास नहीं करना, पहले क्वेश्चन लगा के देखना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब मैं खुद भी पढ़ती हूँ ना तो मैं फिर जाके पी वाई क्यूज लगाती हूँ, अगर पी वाई क्यूज मुझसे निकले, दैट मीन्स अगर नहीं भी निकले तो वो टॉपिक आया पी वाई क्यू में, तो मेरे को पता चल जाता है कि मैं पढ़ सही रही हूँ। पर अगर पी वाई क्यू में दूर दूर तक बात ही नहीं हो रही, दैट मीन्स मैं कुछ और ही पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए चेक करना होता है, तो चेक कर लेते हैं। अ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल गेमेटोफाइट ये वाला होता है, इसमें वो पूछ रहे हैं एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो कितने सेल का होता है, तो एनसीईआरटी में जाओ और वहां पे लिखो, और ध्यान से लिखना, वहां पे न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियाई मोर होते हैं, और नंबर ऑफ सेल कंपेरेटिवली लेस होते हैं। होते नंबर 2 ही थे, 7 और 8, तो तुम कंफ्यूजन ए और बी में ही होंगे, तो तुमको याद रह जाएगा कि न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं, है ना? तो यानी कि न्यूक्लियस ज्यादा होंगे, जिसके बाद नंबर जाएगा 8 और सेल के बाद नंबर जाएगा 7, है ना? तो अब ये पूछ क्या रहा है, सेल पूछ रहा है बी सेल पूछ रहा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन। सही है, चेक करो कौन से पेज नंबर पे करा है हमने, ये कल ही करा था ना हमने, यस मैम, 27, ट्वेंटी 27 सबको मिला, तो यो देखो यो एक मैम, ही लाइन से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, और ये डिफिकल्ट था क्योंकि हमें याद नहीं आएगा कौन कौन सा। तो हमने साइड में लिख लिया, न्यूक्लियस ज्यादा थे, सेल का नंबर कंपैरेटिवली कम था, नहीं ज्यादा। द मेथड टू डायरेक्टली इंजेक्टिंग, दो हिंट क्या है इसका, डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म, स्पर्म को सीधा डाला इन टू ओवम, तो डायरेक्टली इंजेक्टिंग जहाँ पे वर्ड आ गया, प्लस मैं एक और वर्ड लिखाती हूँ इसके साथ, प्लस अगर वर्ड आ जाए आपको मेल फर्टिलिटी इशू, अगर किसी आदमी में फर्टिलिटी का इशू है, भी उससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो
तो हम क्या करते हैं, अंडा लेते हैं फीमेल का और उसमें डायरेक्टली इंजेक्शन से क्या डाल देते हैं, स्पर्म। स्पर्म ये सब कुछ होता है बाहर लेबोरेटरी में, तो उसे कहते हैं इन विट्रो। वीवो नहीं होता, ये इन विट्रो होता है। ठीक है, यहाँ पे जायगोट बनाएंगे फिर फीमेल बॉडी में डाल देंगे। दिस टेक्निक इज नॉन एज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब वो पेज निकालो जहाँ पे सारी टर्म्स दे रखी है एनसीईआरटी की। चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ 64 में से कोई ना कोई टर्म जरूर आएगी, 100% शुरू में इस बात पे पक्का आएगी। नीट में भी तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगी और तुम्हारे पेपर में भी मिलेगी। जब तुमको पता तो क्यों नहीं करते, इस पेज को लिखो ऊपर 100%। ठीक है, तो कल को होमवर्क लिख दो मैं नीचे साथ साथ में। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे मॉक, कल हम मॉक के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। अलग एक एक तरीके से रिवाइज करेंगे ना तो बोरिंग हो जाएगा, अलग अलग तरीके से रिवाइज करते। कल हम करेंगे मॉक, मॉक में बांट दूंगी मैं टीम्स। ठीक है, तो टीम वाइज हम गेम खेलेंगे। अब देख लो, अगर तुम सोचोगे मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे लेट्स से स्नेहा आंसर दे और स्नेहा आंसर नहीं देगी तो उसकी टीम हार जाएगी, तो सारी टीम उसको पूछेगी, है? तो इसलिए कल पढ़ के आना। तो आपका सबसे पहला पढ़ने का टॉपिक है, लिख लो पेज नंबर 64 के सारी टर्म्स। मैं पूछूंगी एनसीईआरटी से, बाहर से कुछ नहीं पूछूंगी, गारंटी है। ठीक है, पढ़ के आना। तो पहले होगा आपका मॉक, मॉक होगा तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा पेज करके आना आपको, 64 पेज मोर। किसी की नई एनसीईआरटी है क्या? यो मैम, नंबर कौन सा तुम्हारा? 48। ठीक है, ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स आनी चाहिए और ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बी वेरी केयरफुल। चलो पहला होमवर्क तो डन है, नीचे आते हैं। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन, एक जीन है ये मेरा, क्या बनाते हैं, ये मेरा डीएनए है, बहुत कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बना लेता है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, उसको आप बोलते हैं जीन। एक जीन है, जीने बहुत सारे इफेक्ट कर रहा है बॉडी में, ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोमेना जो है लियोट्रोपिज्म। अभी जो टर्म्स है ना, ये कौन से चैप्टर से है? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर से। This is a part of a genetic principle of inheritance and variation. ठीक है, दूसरा होमवर्क है, ये कॉपी में करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डेफिनेशंस। ये आएगा यार कहीं ना कहीं, ये तो नीट में भी आपको तंग करेगा। डेफिनेशंस विद एग्जांपल, जो होमवर्क दे रही हूँ उसी से पूछूंगी मैं कल मॉक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल से पूछूंगी, डेफिनेशन से कम होता है, एग्जांपल से पूछूंगी। ठीक है, डन। Which of the following is not a lymphoid tissue? Lymphoid tissue होता क्या? Lymphoid tissue क्या होता है? ये है मेरा chapter. Disease वाला. Health and disease, है ना? और तुम्हें से बहुत बच्चों ने, जब मैंने तुम्हें पिछला mock test का question दिया था, तब वहाँ पे आप लोगों ने लिखा था about the tonsils, है ना? Mucus associated lymphoid tissue, MALT, MALT, याद है? जिसमें लिम्फ ग्रो करता है, ग्रो नहीं फ्लो। दोबारा बोल बेटे, सॉरी मैम, फ्लो, जिसमें से लिम्फ फ्लो करता है, दैट इज अ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फेटिक वेसल नहीं होते वो? यस मैम। कंफ्यूज करती है मुझे, है कंफ्यूज करती है, इधर लिख ले वहां पे टर्म। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खोलना, पेज नंबर कहां है, जो उनका सब फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, पेज नंबर बताना। 154 नई वाली बुक में, 129 हम ऊपर लिख रहे थे ना फुल फॉर्म्स, आपको याद है? फिर उससे क्वेश्चन भी आया था, जीएसी फिर भी ना समझ आए देन लेट मी नो। एम्फीबियन आर डोमिनेंट ड्यूरिंग, अच्छा कौन से पीरियड में डोमिनेंट था ये तो तुमको याद होना मुश्किल है। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट, आई डोंट थिंक एनसीईआरटी में मेंशन है ये। कौन सा चैप्टर है ये? इवोल्यूशन।
देखो एवोल्यूशन का मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दे रही, उसका रीजन ये है कि काफी बच्चों ने बोला था एवोल्यूशन नहीं होता हमसे, तो एवोल्यूशन में पूरा रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़, ओके? वैसे आंसर बताइए किसी को, एम ए ऑप्शन यस, आंसर तो सही है, लेकिन इसको हम करेंगे पूरा चैप्टर, ओके? यो यो मैम, मैक्सिमम कल आपका ये मॉक टेस्ट वाला हो जाएगा सारा खत्म, या एक दिन और लगा लो, उसके बाद इवोल्यूशन ही करेंगे, क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, ये बहुत है आउट ऑफ उसका हो गया, पहले आते थे ये वाले क्वेश्चन, अभी पूछ रहा है, दैट इज आंसर इज जिम कॉर्बेट, ये ऑप्शन नेशनल पार्क आजादी से पहले बन गया। द अमीनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स, अभी प्रोसेस खोलो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में जाओ आप, टीआरएनए की पिक्चर बनी होगी, देखो लेफ्ट साइड पे बनी होगी, पुरानी में तो लेफ्ट साइड थी, नई का मुझे बता नहीं, लेफ्ट साइड में बनी होगी। देखो टीआरएनए वो क्या पूछ रहा है कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड कहाँ के लगता है, उसका 5 प्राइम एंड पे लगता है, 3 प्राइम एंड पे लगता है, एंटीकोडोन साइड पे लगता है, डीएचयू लूप पे लगता है, मैम 3 प्राइम एंड पे लगता है, श्योर 5 प्राइम एंड, मैम 3 प्राइम एंड, मेरे को बात बताओ देख के कैसे दो आंसर आ सकते हैं यार, चीटिंग सही से नहीं कर रहे हो तुम, ओपन बुक में कैसे आंसर बता सकते हैं, देख के बताओ, ये देखो ऐसा लगा होगा ना, यहाँ लगा होगा अमीनो एसिड कहीं, इस तरीके से लूप बना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अपना वेरिएबल लूप है, इसकी बात नहीं होती, दिस इज द साइड ऑफ एंटीकोडोन, इधर नीचे ये बताओ यहाँ क्या लिखा है, 3 प्राइम या 5 प्राइम, मैम 3 प्राइम, मैम 3 प्राइम है, 3 प्राइम एंड, यस आंसर इज बी, 3 प्राइम एंड, वैसे टीआरएनए का स्ट्रक्चर नहीं बना एनसीईआरटी में, नहीं बना हुआ यार मैम, नहीं बना है, क्या बात कर रहे हो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर मुझे कैसे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मिल सकता है बुक भी हो, वो वाली ना नीचे नीचे नीचे, इससे नीचे, ये बच्चा, बच्चे जी एग्जाम लगा रहे हैं, मुझे कौन सी किताब की याद है भाई, देखो टीआरएनए कहाँ हो तुम, ये नहीं लिखा 3 प्राइम या 5 प्राइम, लेकिन टीआरएनए तो बना हुआ है यार, मैं हमारी बुक में नहीं, मैं हमारी बुक में नहीं बना हुआ, पेज नंबर 114 पुरानी एनसीईआरटी, कितनी पुरानी हूँ मैं, यही थी 114 नहीं मिल रहा मैम, बना मैंने तुम्हारे चपड़े लगा देनी है, ठीक है, मेरे को पेज नंबर याद नहीं, लेकिन किताब बहुत अच्छे से याद है मुझे, बना हुआ है इसके ऊपर, कितने चला कर अदुगी, इल्जाम मत लगाते हैं गलत, रुकना जरा मैं देखूं इन्होंने लिखी है ये बात, अगर लिखी है तो तुम तो बहुत ही पटोगे मुझसे, लिखे पे तो मुझे क्या डाउट है, ठीक है चलो, इन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कहाँ के लगा, तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस राजकुमारी आइए, राजकुमारी नहीं आ रही ना तुम्हारी क्लास में, इसलिए तुम्हारी प्रजा इधर उधर हो गई है, 114 पे बना हुआ है डायग्राम, वैसे आंसर इज 3 प्राइम, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बेस क्वेश्चन था, जब हमने नोट्स करे थे ना तो उसमें डायग्राम क्या था, तो याद है तुम्हें मैंने होमवर्क में दिया था कि आप इसको, हाँ बेटा बी ही लिखा है, तो मैंने होमवर्क में दिया था कि आप नोट्स में इसका डायग्राम बना के आना, याद है किसी को, यस मैम, यस मैम, बनाए थे ना उनके मजे हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब कष्ट करने की जरूरत नहीं, जिसने नहीं बनाया था अब उसको मेहनत लगेगी, इसलिए एडवांस में कर लेते होते साथ साथ में, बाद में नहीं तो दिक्कत होती, तो जिन्होंने किया था वो नोट से क्या रिवाइज करेंगे, यू रिवाइज, मैं ही होमवर्क में डाल रही हूँ, रिवाइज टीआरएनए स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर करते हो ना तो उसी के साथ उसका फंक्शन भी कवर हो ही जाता है, फ्रॉम नोट्स करना, चलो ऊपर चलते हैं, वापिस आते हैं हो जाएगा अभी खत्म, तो ज्यादा है नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड, अरे 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 इकोसिस्टम इकोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तुमको याद है मैंने एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में ऐसे ग्राफ था मैम, ओशन, ओशन ओशन ग्रासलैंड मैम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा अच्छा तुम मुझसे मुकर जाओगे, ग्राफ तो बनानी है मैडम, मैं पहले वही निकाल लूं,
तीन तो आंसर, अरे बोला नहीं किसी ने अभी तक डेजर्ट, तो ये बोल दो ये भी बह गया, इसको बस छोड़ दिया तुमने ऐसा बोल दो बेटा बोल दो। देखो पेज नंबर 220, यहाँ पे तुमको ऐसा चार्ट दिख रहा है टेम्परेचर वाला विद प्रेसिपिटेशन, है ना, जहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन जहाँ है वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिल सकता है, आपको वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर वुड बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों मैम? लेकिन मनीषा कहाँ पर पड़ा है ओशियन और रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में? ओशियन बोला ना तूने, कहाँ पर पड़ा ये? मैम एक क्वेश्चन था ये। क्या मैम? ये मैंने एमसीक्यू में देखा था। पढ़ा कहाँ था? अबे तुम जाके चेक नहीं करते हो कि आंसर कहाँ से आया? वो ऐसे मत करो एमसीक्यू, ऐसे तो तुम बर्बाद हो सकते हो बेटी, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना, लॉजिक तो ढूंढ लिया कर। देख जब भी क्वेश्चन करे ना पीवाईक्यूज सुनो, तो पता ही क्या करते हैं, जो टॉपिक आया उसको देखना होता है जाके एनसीईआरटी में कहाँ था, अगर नहीं लिखा हुआ तो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो, नहीं तो अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पता कहाँ कंफ्यूज हो रही है बताती हूँ। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी? जहाँ पर ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या ये वगैरह सब ज्यादा होनी चाहिए ना, पानी तो होना चाहिए ना, प्रेसिपिटेशन मोर होनी चाहिए। तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे ना तो आपको ऐसा याद आएगा, एक लंबी सी लाइन है, यहाँ पर हम दिखाते थे प्रेसिपिटेशन, यहाँ हम दिखाते थे टेम्परेचर, तो प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा इस वाले में होती थी एंड दिस रिप्रेजेंट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आंसर होगा डी। अब जो तो कंफ्यूज हुई है ना वो ओशन वाले में, वो कॉन्सेप्ट पता ही आता, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो एरिया ज्यादा कवर करता है वो ओशन है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है ना ज्यादा वो हमारे टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट की है। तो कंपैरिजन टेरिस्ट्रियल ओशन में था कि ओशन एरिया जरूर ज्यादा कवर करता है लेकिन उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ओशन में यहां तक तो लाइट पेनिट्रेट हो गई लेकिन नीचे लाइट नहीं जाती ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है नीचे, इस वजह से नीचे प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है जितना तुम ओशन में डीप जाते हो। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, समझे? यस मैम, यस मैम। इकोसिस्टम जब तू रिवाइज करेगी ना वहां पर ये पार्ट दोबारा से आएगा, तो पीछे जाके देखा कर आंसर, कुछ चैप्टर की बात हो रही है वो टॉपिक कहाँ है, जैसे जैसे ढूंढेगी ना तो एनसीईआरटी अपने आप याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब तुमको एनसीईआरटी याद होनी स्टार्ट होगी ना उसे समझ जाना तुम्हारे नीट में आराम से बायो में 300 ऊपर आएंगे, रोक ही नहीं सकते कोई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज, अरे धरती पर सबसे पहली जीवन, जीवन का अंश जो आया था क्या था वो? जब धरती पहली सबसे पहली थी तो कैसा था, हम क्या कहते थे पानी में लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो पानी कैसा था? ठंडा ठंडा था या मस्त उबल रहा हुआ था सूप जैसा? उबल रहा हुआ, उबलता हुआ सूप जैसा था ना, तो उबलता हुआ सूप जैसा था तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो थे ना, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ उबलते हुए सूप जैसा था, जैसे थुपका बनता है, खाया कभी थुपका? यो यो मैम, बिल्कुल मैम। अच्छा बाउल होता है उसमें सूप होता है, उसमें मोमोज होते हैं, उसमें नूडल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, क्या बात करो तुमने थुपका नहीं खाया? तो अगर सब कुछ खाना है तो क्या ऐसी कोई लाइफ ओरिजिनेट होगी जिसको खाना बनाने की जरूरत है? नो मैम, जब फूड है, जब घर में खाना है तो तुम्हारा शरीर कहाँ खाना बनाएगा, तुम हिलोना तो डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकते, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, है ना, तो फिर कौन आपको पैदा होगा जो खाना बना बनाया खाता है? देती हेटरोट्रॉफ्स, है ना, हेटरोट्रॉफ्स, यस, और कीमो हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे हम उनको, ठीक है? यस, साइनोबैक्टीरिया क्यों नहीं कहा? साइनोबैक्टीरिया इज अ कौन से वाली कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तुम्हारे साथ है? मोनीरा में हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास आरके बैक्टीरिया और एक होता है हमारे पास यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया, उसके अंदर आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। एक डायग्राम बना हुआ है, एग्जाम्पल है इसका एनाबिना एंड नॉस्टॉक। यो यो मैम, राइट हैंड साइड पे नीचे जाओगे, बिल्कुल नीचे जाके डायग्राम ऐसे दिखता है तुमको, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इसके ऊपर और एक सेल होता है सब भूरोस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। यस, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं क्यों ये बताया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पहले तो आर के बैक्टीरिया आए थे ना,
डायनो थोड़ी आए थे, एंशिएंट तो ये है, तो दादाजी तो ये है, तुमका नई जनरेशन पे आ गए, तो आंसर गुड बी डी। ठीक है, ऐड करके आना था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, आगे आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एनालिसिस इज ब्रॉट अबाउट बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? मुझे एक बार चेक करने दो प्लीज। नहीं, एनाबिना नहीं लग रहा मुझे। इसमें फ्री एनाबिना करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पर जरूरी नहीं एनालिसिस में करता है। मुझे वैसे फ्रेंकिया लग रहा है, एक बार मैं चेक करूंगी। ठीक है, या नहीं अभी कौन से याद, ये मेरे को चेक करने देना। ये पी वाई क्यू है, ये शक्ल इसकी देखी देखी लग रही है मेरे को। मैंने क्वेश्चन गलत करा है कभी? को चेक करने देना। नीचे आते हैं, तो पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, अरे 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 अहमद खान का केस था नहीं? बताओ खान साहब कौन से पेज नंबर पे, फटाफट ढूंढ के बताओ। बताया तो मेरी फ्रेंड है पॉली, ब्लेंड हो जाती है ऐसे कर दिया। पॉली ब्लेंड वो पॉली ब्लेंड मेरे पास आई रखी है बहुत सीरियस उनके। अब पता ही नहीं है उसको, उसके नाम से कितने एग्जांपल याद करे हमने। पेज नंबर बता, तू क्या हंस रही है, पेज बता बेटा। इतनी देर में तो भगवान नंबर 279। देखो इस चैप्टर में जितनी भी केस स्टडी, कौन सा चैप्टर है ये मैम? एनवायरमेंट वाला। पूरा नाम बोलने में क्या हो जाएगा तुझे? है एनवायरमेंटल इशू, तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। देखो एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज में से क्वेश्चन बताए कहाँ से बन सकता है, जो आपका मार्च के, हमने इसके तो बहुत सारे वीडियोस देख के पढ़ा था, इसमें तो मजा आया था। एनवायरमेंटल इश्यूज में जितने भी केस स्टडीज है ना, उससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आर्कटा मास का हमने केस पढ़ा था, वो कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अहमद खान का केस था, इसके बाद हमारा बिश्नोई फैमिली का, बिश्नोई कम्युनिटी का केस था, एक हरियाणा वाला डागर का केस था। अगर आपको ये याद नहीं, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये केसेस है जिन पे से आपको क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अहमद खान का बना ना, वैसे एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा वो, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो याद नहीं आएगा। तो एक बार कुछ मत करना, पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जहाँ पे केस स्टडी है ना वो वाला पॉइंट पढ़ के आना, ठीक है? केस स्टडी होगी, मैं सिर्फ इसी से पूछू और इससे ज्यादा नहीं। प्लस में बहुत सारा होगा, दूंगी मैं इतना दूंगी तो तुम कर भी पाओ। तो आंसर इज पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड हो जाती है, उससे रोड बिछाते हैं और उसकी मजबूती ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू, ब्लड फ्लू किससे? H5N1 H1N1 बहुत फैला था तब मैं स्कूल में होती थी, बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा फैला था उस टाइम। चलो नीचे आते हैं, अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी कितने मार्क्स का? 2 marks. यानी कि गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोसोम ऑफ फिब्राइल। एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, कहाँ पढ़ते हो आप मैम? पेज नंबर निकाल जहाँ पर स्पर्म का से डायग्राम बना है, बस उसकी खोपड़ी के ऊपर एक्रोसोम ऐसे बने। 48 नई वाली बुक में। 32 बेटा एक्रोसोम का फंक्शन पूछ रहा है डायरेक्टली, है ना, और एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्रोसोम का तुम सीधा फंक्शन जरूर लिखोगे। पहले तुम लिखोगे डायग्राम बनाओगे इसमें? नो, यहाँ पे तुम लिखोगे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज एन एक्रोसोम, कहाँ पर मिलता बताओगे तो सही ना। फिर उसके बाद नीचे लिखोगे उसका फंक्शन, एक लाइन छोड़ के हम उसका नीचे लिखेंगे फंक्शन। क्या फंक्शन होता है इसका? एंजाइम रिच हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम की, जो लेयर्स होती है। आपस में कर लो बात तो बता देना, हाथ खड़ा करो हाथ। हाँ आंसर किसी को श्योरिटी नहीं पता, हाथ नहीं खड़े कर रही थे, कितने चलाके हैं। अर्चना हाँ भाई विशाल बता। मम्मी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओवम की, ये लिख के आएगी बेटा फंक्शन है, तो कोई एक नंबर दे दे, काटना तेरे नंबर में मैम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, और ये एंजाइम से फील्ड होता है। हाँ तो फंक्शन पूछा है ना, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन में तो आया नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैसे हेल्प करता है, ढंग से आंसर बता दीक्षा, मदद करो भाई इसकी। मनीषा मैम ये जो ओव्यूल की जो
जो एग की जो लेयर्स होती हैं उन्हें पेनिट्रेट करके इन्हें अंदर जाने में हेल्प करता है। तूने ओव्यूल बोला अभी? नो मैम, एग। इसने ओव्यूल बोला था ना पहले? ओवम। इसने ओव्यूल बोला था, मुकर रही है ना ये? नहीं नहीं, वो गलती से बोल हो गया था। ये प्लांट का है, ठीक है, ओवम। ओवम को ही एग कह सकते हैं। हाँ, तो ये क्या करता है, एक्रोसोम का फंक्शन होता है, इट रिलीजेस एंजाइम। तुमने फंक्शन लिखा नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ इतना लिख दोगे फर्टिलाइजेशन में मदद कर, तो फर्टिलाइजेशन में बहुत चीजें मदद करती है, इसका अंदर थोड़ी ना कि इसका फंक्शन हो गया। एक्रोसोम क्या करता है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, इट रिलीजेस एंजाइम, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखोगे, ऑन कॉन्टेक्ट विद ओवम, कि जब ये ओवम से कॉन्टेक्ट करता है तो उस टाइम पे ये बर्स्ट हो जाता है और ये रिलीज कर देता है एंजाइम, है ना। और ये एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म के ओवम के अंदर छेद करने में, होल क्रिएट करता है, जिसके थ्रू स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। तो आंसर आपका स्टार्ट होगा कि ये ओवम की लेयर से टच करके बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम सिक्रीट करता है। एंजाइम होना चाहिए, बर्स्ट वर्ड होना चाहिए, और उसके बाद मेल का जो प्रो न्यूक्लियस है उसको फीमेल ओवम के अंदर डाल देता है, तो प्रो न्यूक्लियस वर्ड भी आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन का मतलब टेक्निकली ये होता है एग और ओवम का मीट हो जाना, और टेक्निकली बोलू तो इनके न्यूक्लियस का मीट होना। तो फर्टिलाइजेशन हुई थोड़ी है, फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहा है वो, समझ आई। तो अगर कोई टीचर बहुत स्पेसिफिक तरीके से आंसर चेक कर रहे हैं ना, तो वो नंबर नहीं देगी तुझे। तो ये वर्ड्स आपको एंटर करने पड़ेंगे इसमें, क्लियर? यो तुम्हें आंसर पता है, बेशक तुम्हें लोकेशन पता है, पर आंसर सही से डिजाइन नहीं किया था। समझ आया कैसे डिजाइन होगा? वर्ड्स लिखने हम एंटर करते हैं ना कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स उसके अंदर मेंशन करने हैं, है? उसके बिना नहीं होगा। तो मेरी कहाँ मिलती है तुमको सिनर्जीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सिम्बरी मिलती है बेटा सिनर्जीज में, पहले तो यही आ जा। ये जहर बात बोलने के लिए मैं इसको 2 सेकंड का लेना चाहूंगी समय। ये जो बनाया था जायगॉट, इसमें तुमको बहुत हंसी आ रही है, हैं? एग्री तू भी कर रही थी, स्मार्ट मत बना करो, हंसने से पहले सोच लिया करो, तुम्हें आता है? आई बड़े ये झालर सी बनी थी बेटे, जरा एनसीईआरटी पे जाके देखना लिखा क्या है इसको। फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, पूरा उसका स्ट्रक्चर है, राइट। जो फिम्बरे होता है ना, वो आपके जो फेलोपियन ट्यूब होती है महिलाओं में, सारी महिलाएं बैठी है ना, तो ऐसे तुम क्यों अपनी फेलोपियन ट्यूब की इंसर्ट कर रहे हो यार? यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के जो सेल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिंगर लेग छोटी छोटी प्रोटेक्शन आती है। तो व्हाट इज अ फिम्बरी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिंगर लेग प्रोजेक्शन। तुमको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, ये निकालो तुम सेल चैप्टर, सेल के चैप्टर में आपको फिम्बरी मिलेगा, ठीक। मेरे पास अभी यहाँ आंसर नहीं आ रहा, सेल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा फिम्बरी। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन होती है जो मदद करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। पहले आप लिखोगे फिम्बरी इज अ फिंगर लेग प्रोजेक्शन formed by the extension of plasma membrane of a cell. लिख लो. Fimbriae are finger-like projections formed by extension of plasma membrane of the cells. एक लाइन छोड़ो, नीचे आओ, function लिखो, बड़ी heading डालो function, और उसी के आगे लिखो, नहीं, सॉरी, फंक्शन काटो, लिखो फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल के बाद मैंने बोला कोमा लगा देना, कोमा लगाओ, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन फीमेल हैव फेलोपियन ट्यूब्स female have fallopian tubes which are lined internally via fimbriae. Full stop. Fimbriae helps in the movement of zygote. Fimbriae help in the movement of zygote to reach uterus for implantation.
फिम्रे हेल्प जायगोट टू रीच यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. फिम्रे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ, इन द मूवमेंट ऑफ जायगोट लिख देना, मूवमेंट ऑफ जायगोट. साधन मैम मतलब मेरे पास एक बुक है ना, मतलब उसमें आंसर्स दिए इन सभी क्वेश्चंस के, तो मैम उसमें तो ऐसे लिखा है कि फिम्ब्रे हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन. वो ये वाली की बात कर रहे हैं ना, इधर वाला. मैं अंदर वाली लाइनिंग की बात कर रही हूँ, ये वाली. ओके रिपीट कर दोगे? ओ बेटा मैंने वो करा हुआ है, ये तो मैंने बना के बोला था. इसको प्लीज भेज दोगे, मुझे क्लास के बाद भेज दोगे, मैं तो को फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है? ओके मैम. ओके सो ये एक फंक्शन है, इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है, मैंने एक मेंशन कर लिया. ताने तो वो वाले भी मेंशन कर सकते, इशू नहीं है कोई. ओके यस मैम. ठीक है ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन द फोन चेन एंड, अरे यार ये तो बड़ा वैसे क्वेश्चन है. दो मार्क का है, कितनी लाइन लिखोगे? फोर. लिखोगे कैसे? बनाओगे कैसे? टेबल की फॉर्म में फ्रेंड्स लिख देंगे. अरे वाह बहुत बढ़िया, टेबल की फॉर्म में बनाओगे आंसर, है ना? यस मैम. गुड. गिव द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. सोर्स और फंक्शन बताना है, इसका थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक मार्क का. सोर्स भी बताना है, फंक्शन भी बताना है. ठीक है? तो हेडिंग डालोगे स्टैटिन. सोर्स क्या है इसका? मोनास्कस पेपेवर. मोनास्कस पर्प्यूरियस. अंडरलाइन करोगे अलग से? व्हाट इज मोनास्कस पर्प्यूरियस? क्या होता है? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई? मैं फंजाई. कौन से चैप्टर का है? 10th चैप्टर. स्टैटिन भी है वहाँ. क्लॉट बस्टर. क्लॉट बस्टर कौन सा होता है? और साइक्लोस्पोरिन ने कहाँ पे लिखेंगे हम? इम्यूनोसुप्रेसेंट होता है. इम्यूनोसुप्रेसेंट, राइट. पेज नंबर कौन सा है? 151 है ना? 183. पेज 183. और तुम्हारा कौन सा है? नई वाली बुक वाले बच्चों का? नई का 151. ठीक है बेटे, 151. इसको रिवाइज कर कराना, बहुत बार कर चुके हम. ठीक है, इसको रिवाइज कर कराना. यो यो मैम. क्योंकि इससे मैंने तब भी बोला था, इससे एक ना एक से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको क्लॉट बस्टर पे आ गया, स्टैटिन पे आ गया, या कि इम्यूनोसप्रेशन पे आ जाएगा, या फिर आप में दोनों में से जो चीज थे उस पे आ जाएगा, या फिर कौन सा जैसे जो जूसेज होते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप क्या डालते हो. ठीक है, अगर ऑयल स्टेन लगा है कपड़ों पे, तो सर्फ में ऐसा क्या है जो ऑयल स्टेन रिमूव करता है? ये रिवाइज करके आना, मॉक में पूछूंगी. अब नेक्स्ट वाला तो तुमको आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी. तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखोगे आंसर को? समझ गए तुम, वेरी गुड. लेकिन बेटा पहले पॉइंट सोच लेना, इतने पॉइंट आते हैं ना डिफरेंशिएट करने वाले. कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का है ना? क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे दे पाओगे, है ना? एक देखो, अगर मैं आंसर मेरे को कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा करना है, तो बहुत ही बड़ा सवाल हो गया ये जिंदगी का. देखो मेरे को क्या पता करना है, पहली चीज कि मुझे इनकी डेफिनेशन आती है. डेफिनेशन आती है तो एक पॉइंट तो मेरा कवर हो गया. दूसरी चीज, मुझे इसका कोई एग्जांपल आता है तो मेरा लास्ट पॉइंट कवर हो गया. तो पहले तो दो पॉइंट मुझे यही कवर करने हैं. तीसरी चीज, मुझे ये दोनों चीजें जिसके बारे में लिखना है इनके बीच में डिफरेंस पता है, मुझे खुद पता है कि क्या है. अगर पता है तो 3 पॉइंट मेरे पास है, अब मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको नॉर्मल कैंसर सेल्स की आती है, एक्टिव पैसिव की आती है. ठीक है,
डिफरेंसेस भी पता है आपको नॉर्मल कैंसर सेल्स में, एक्टिव और पैसिव में। बात आती है एग्जांपल की, एग्जांपल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो स्पेसिफिक से एग्जांपल। कैंसर सेल्स के आप जर्नल से एग्जांपल लेकर एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में ज्यादा अच्छे एग्जांपल दे पाओगे कि एक्टिव इम्यूनिटी कब आ गई, पैसिव कब आ गई। तो इसमें ज्यादा पॉइंट ऊपर वाले में बनते थे, इसलिए बेहतर रहता ऊपर करते, पर अगर किसी को नीचे का आता वो भी कर सकता है, मना नहीं है। ये दैट इज ऑन यू, आपको कौन सा आंसर आता है, बस एक बार फिगर आउट कर लेना कि डिफरेंशिएशन लिखने से पहले एटलीस्ट तीन चीजें पता हो। ओके ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाई हीमोफीलिया अकर इन मेल ओनली, ये है कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्ट बेस्ड। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मॉक में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे, बट दैट मींस आपका बोर्ड कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालने वाला है, विच इज इंटरेस्टिंग टू नो, इतने डरते नहीं थे वैसे। ठीक है, तो ऐसे आपका स्पेसिफिक लिखा नहीं जाता कि क्यों हीमोफीलिया मेल में ज्यादा होता है। पता है किसी को हीमोफीलिया डिजीज कौन सी है? यस मैम, यस रिसेसिव डिजीज। रुको भाई रुको, ये प्रीति ने हाथ खड़ा करा पहले, तक बता प्रीति। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है, और ये मेल में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज लगती है तो मेल को ये जल्दी होता है। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक पे लग जाएगा तो वो कैरियर होगी, अगर दोनों पे लगेगा तो वो डिफेक्टिव होगी। तो इसीलिए मेल में ये ज्यादा होता है क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम होता है तो वो कैरियर नहीं हो सकता, वो सीधा डिफेक्टिव ही होगा। वेरी गुड यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग से बोला, ताली बजाओ भाई, बढ़िया था यार। कोई पॉइंट नहीं मेरे पास बोलने के लिए, सारा कुछ अच्छा बोला मैम। और मेल में मैम उसकी मेल में होने के लिए जो उनके पेरेंट्स हैं उनमें दोनों में वो दोनों कैरियर होने चाहिए। हाँ, लेकिन आई थिंक इसने कवर कर दिया सारा टॉपिक वैसे, कि वाई हीमोफीलिया कर इन मेल ओनली। मेन रीजन यही है कि मेल को एक एक्स में मिल गया, क्योंकि सबसे पहले लाइन इसने बहुत अच्छी बोल दी कि ये सेक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो सेक्स से जाता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे एक्स या वाई पे, ये एक्स पे बैठा है, कुंडली मार के बैठा है। तो अगर एक भी मेल के पास एक्स चला गया तो भाई उसको तो डिजीज होने लाजमी है, या अकेला अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, तो कवर हो गया आंसर। अच्छा आंसर दिया इसने। तो ये जो पॉइंट इसने बोले ना, सबसे पहले कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, फिर उसके बाद इसने बोला कि मोस्टली फीमेल कैरियर हो सकती है इन द केस ऑफ मेल, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से उसको फटाफट से बीमारी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये अच्छे से बोला इसने। अब मेरे को फटाफट बता दे बेटा, पेज नंबर कौन सा है, चैप्टर कौन सा है? अब मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर। देखो एक बार ना इसकी मैं बता देती हूँ, इसका डिजीज को मैं एक बार यहाँ लिख लेते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज है, फोर डिजीजेस से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ये वाला जो चैप्टर है इसकी डिजीज की बात है स्पेसिफिकली। सबसे पहले कौन सी डिजीज मेंशन करी एनसीईआरटी ने? कलर ब्लाइंड रिसेसिव। देखो सारी डिसेसिव है, सिर्फ एक पेडिग्री बना है जो डोमिनेंट है, बाकी सब रिसेसिव डिजीज है ना। सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? सेक्स लिंक्ड। देखो बहुत बहुत बेसिक बात है, लेकिन हर डिजीज के साथ पता होना चाहिए सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बीमारी कौन सी है? हीमोफीलिया। फिर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, और ये बहुत फेमस है इनका, सिकल सेल एनीमिया। और फिनाइल कैलकिटोनुरिया। फिनाइल कैलकिटोनुरिया, हां ये नीट वालों को बहुत पसंद है। नेक्स्ट थैलेसीमिया। ये नोट्स में बहुत अच्छे से है, बीमारियां वहां से कर लेना है, नोट्स में बहुत अच्छे से कराई हुई है, तो तुमको ना कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। बताओ बोल नाम बोल। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पे बहुत लंबा क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से। ट्राइसोमी है ये, इसके बहुत सारे नाम है, यही ट्राइसोमी होती है, इसी के अंदर आपको क्रोमोसोम नंबर 21 की बहुत सी कॉपी मिल जाएगी। इसके सिम्टम्स होते हैं फर्टिलिटी में कोई इशू नहीं होता, मेंटली रिटार्ड नहीं होता, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, है ना, ये फीचर है इसके। सेकंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट मन बस खत्म। अच्छा टर्नर सिंड्रोम तक, ठीक है। तो अब तुम क्या करो,
फटाफट से बायो की कॉपी निकालो, फटाफट फटाफट एक पेज फाड़ो उसका यार, पतला वाला फाड़ना मतलब छोटा सा, जिस फटाफट सारी बीमारियों के सिर्फ नाम लिखो लिखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ है, आठ लिखो और उसके आगे डब्बे बना दो, एक दो तीन, तीन तीन डब्बे बना दो आगे, बना के छोड़ दिया मैंने, जल्दी जल्दी करो। तेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया है? डन, बोल 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 स्नेहा। ओके क्या बोल रहे हो? स्नेहा से पूछ रही थी, उसने हाथ खड़ा करा था। देख बेटा अब तेरा काम क्या है, इस पेज को ना अपने उसी चैप्टर के आगे लगा दे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ना ये तो, यो यो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उसका एक पेज लगा दे उसी चैप्टर के आगे, उसको फेविकोल से ना एनसीईआरटी में चिपका लियो, ठीक है? ये तीन डब्बे है ना, तेरा काम ये है कि जब भी तू इन्हें एक बार पढ़ना है, ठीक है, हर रोज तुमको इसको एक बार पढ़ना है, सारी डीजीज को रोज पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले दिन तुमको लग जाएंगे 45 मिनट्स मैक्स, उसके बाद तुम्हें रोज मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है? काम ये है कि जब भी तुम किसी एक डिजीज को बिना देखे लिख लोगी उस पे आगे डब्बा पे टिक लगा दो, ठीक है? तेरा रोज का काम है इसको अभी पहले रीड करना, नेक्स्ट वीक से इसको लिखना स्टार्ट कर लेना, अगर तुम्हारा भी होता तो अभी कर लेना, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिख के फिर चेक करना है कि पॉइंट्स कवर हुए हैं नहीं, अगर जैसे ही एक डिजीज कवर होगी मैंने एक टिक कर दिया, ठीक है? तो मेक श्योर पहले सब पे एक एक टिक आए और सब पे आपके प्री बोर्ड से पहले तीन टिक आ जाने चाहिए, जिस पे टिक इंदी का आगे वो वाली बीमारी आपकी तैयार है फिर, क्लियर? यो यो मैम, यो यो मैम, देखे लिख पाओगे सिर्फ तभी टिक लगाना है, तो ऐसे ही सारी बीमारी खत्म, और इनमें से एक ना एक बीमारी पे क्वेश्चन आएगा ही, कि हर साल आता है, नीट में भी आता है, वो आएगा पक्का, ठीक है? ऐसे हम चार नंबर प्रिपेयर कर लेंगे, डन? यो यो, एक क्वेश्चन जिसने मेरे को तंग किया यहाँ देखने के बाद, मेरे को ऐसे झटका लगा, वो था राइट शॉर्ट नोट ऑन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पे दो नंबर का क्या लिखेगा बच्चा, ये देख के मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया, तो मुझे तुम बताओ क्या लिखते अगर पेपर में आता तो? मेरे पेपर में आया हुआ था, क्या लिखते बता चलो बेटा? It is a genetically engineering rich rice rich in vitamin. अबे genetically modified crop है ये. Which is beta carotene is converted into vitamin A and vitamin A is very good for our eyesight. हाँ genetically modified plant है ये. उसके बाद vitamin A इसके अंदर rich होता है, which is good for eyesight. और हमें इसमें important कुछ proteins भी होते हैं. हमें इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मल राइस में प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण इसका कलर येलो होता है। हाँ, इसकी वजह से उसका कलर येलो होता है। और सिंथेसिस कर देता है प्रो विटामिन ए की। वो लिख तो दिया है हाँ। अबे एक ही लाइन तीन चार बार घुमा के बोल रहा हूँ, मुझे क्या बे मेरे साथ खेल रहे हो? इसके अलावा तो यार कोई पॉइंट नहीं बन रहा, दो नंबर कोई है, मुझे नहीं लगता यार इसमें नंबर पूरे मिलेंगे तो। मैम मैं भी 5 मार्क्स में भी आया था। 5 मार्क्स में आया था? यस मैम। क्या लिखा तूने बेटा? मैम अभी नहीं, जो अभी का मॉडल पेपर आया है ना न्यू, उसमें आया है मैं भी ये 5 मार्क्स का। ये मॉडल पेपर न्यू वाले निकाला मैंने मैम, ये तो जैसे कि हमारे एग्जाम हुए थे ना उससे पहले हुआ था ना, जो अभी फाइनल बोर्ड्स के लिए हुआ है ना, तो उसके लिए जो पेपर है मैं भी उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें 5 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन पेपर पढ़े तेरे पास? मैम क्वेश्चन पेपर नेट से ही निकाले थे मैंने, भी वही साइट से निकाला जो भेजी है, उसपे तो यही मिला मुझे मैम, प्रीवियस ईयर। अच्छा प्रीवियस ईयर, यार 5 नंबर पे देना तो पाप है। यस मैम, तो छोड़ देना चाहिए क्योंकि इतना तो पॉइंट बनते ही नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस में इतने पॉइंट बहुत है यार, इस पर समय मत बर्बाद करना, ठीक है? मेरे को तो पीटी कॉटन भी देंगे, वो बनता है, ये इस पर होता नहीं क्यों देते हैं, तो ये मेरा भी दिल बहन
घबरा गए से, लेकिन एलन्स रूल तुमको याद है हमने अभी किया था पिछले वाले पेपर में। तो देखो जो पीछे का आपका पेपर था एचपी बोर्ड का, उसी से रिलेटेड टॉपिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे ज्यादातर, तो कहीं ना कहीं तो पेपर मैच होता है। तो एलन्स रूल क्या पढ़ा था हमने मैम? जिसमें क्या स्मॉल एस्टिम एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज स्मॉल होती है ठंडे वाले इलाके में, उसको हम कहते हैं एलन्स रूल। कौन से पेज नंबर पे लिखा है लेफ्ट साइड पे ऊपर, जल्दी बता। 226 एलन्स रूल और ब्लैक लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं आएगा तुमको, वो तो 11th में था। एलन्स रूल आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने किया भी था, उसको फिर से स्टार लगा दो कि ये दोबारा आ गया। देखो व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब हम पिछला पेपर कर रहे थे ना, शायद आपने नोटिस किया हो, तब एक्सोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू आया था एक्सोन्यूक्लियस पे, इस पे क्वेश्चन एंडोन्यूक्लियस पे दे दिया, घूम फिर के तो वही टॉपिक दे रहे हैं ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, क्या करते हैं ये? आपस में कर लो बात। हाँ भी बोल वो कट करते हैं उससे सेंटर से, सेंटर से विद इन डीएनए कट डीएनए एट सेंटर एट द सेंटर। बेटे सेंटर तो वो नहीं हो गया क्या? अगर डीएनए तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ गया हाँ, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो तो साइड से कट करते हैं ना, फिर ये तो सेंटर से करते होंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस के लिए मर लुक देंगे कि कट द डीएनए एट द कॉर्नर्स ना, कॉर्नर्स पे कट करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस के हम सेंटर नहीं बोल सकते, सेंटर तो बिल्कुल बीच का पार्ट हो गया ना। तो विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ये डीएनए तेरा मैंने खोल के लिखा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कट यहाँ लगा दे, सेंटर तो ये हो गया ना, समझ रही है क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। तो कट द डीएनए विद इन इट, मेक अ कट इन डीएनए विद इन, सॉरी विद इन द डीएनए इट मेक कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में विद इन द डीएनए कट लगाएंगे, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड और विद इन द डीएनए दोनों मेंशन होना चाहिए था। नेम द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कौन सा है? हिंट टू। अबे ओ ऐसे लिखना है, अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल मत लिखाना, ये साइंस टर्मिनोलॉजी है, अपनी मर्जी से भी टीचर जीरो भी लगा देगी, है ना, जीरो लगा देंगी वन से पहले जीरो लगा देंगी फिर दिक्कत हो जाएगी। कैटेलिटिक कन्वर्टर, ये आपका तो उसका पार्ट है एनवायरमेंट आई थिंक इश्यू से, इस वाले चैप्टर का। कैटेलिटिक कन्वर्टर में कौन से वाला वो यूज करते हो आप? पेट्रोल, लेड फ्री यूज करते हो ना, नहीं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। Yes, ना इकोलॉजी रिवाइज करें, इकोलॉजी रिवाइज एक बार करके जानी चाहिए हमें साथ में, है ना, क्योंकि बहुत सारी इकोलॉजी है ना, और तुम लोग तो कद्दू हो गए हो इतना टाइम से रिवाइज करे मैंने, आई थिंक इकोलॉजी हमें रिवाइज करनी चाहिए। क्या डेट है आज? 7/7। तुम्हारे रिप्लाई अच्छे नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा मुझे ये, जब मैं कैलेंडर ढूंढती हूँ तो कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेटर ढूंढती हूँ तो कैलेंडर निकलता है, क्या चक्कर है? रुक जाओ एक सेकंड, इकोलॉजी चार चैप्टर है, रिवाइज करने में समय भी लगेगा। लास्ट क्लास हमारी 17 को है। Yes, ma'am. Evolution भी लंबा है, रिवाइज करने में समय लगेगा। इकोलॉजी तो फिर हमें काम करते हैं, हम रखते हैं ट्यूजडे से इकोलॉजी, ठीक है? Let's revise ecology together. तो हम ट्यूजडे से इकोलॉजी करेंगे, कौन याद दिलाएगा? तुम तो पता है मुझे, विशाल, मैं विशाल, प्रीति, नेहा, पंकज, नेहा, पायल, इतने सारे हो, खबरदार याद नहीं दिलाया तुमने तो, ठीक है। तो इकोलॉजी हम लोग फिर मंडे से एक बार साथ में रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी चैप्टर्स आपने बहुत बार रिवाइज करे हैं तो वह फिर भी कर लोगे, इकोलॉजी इज अ प्रॉब्लमेटिक, ये नॉन स्किप हो जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर जल्दी बताओ यार, ए को किससे मिलाओ? 3 से पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर से कैटालिटिक कन्वर्टर, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से, हां कार्बन डाइमोन, इनको इन वेस्ट को जब पेट्रोल ढंग से करता नहीं, जैसे वो आवाज लगा लगा के नहीं गाड़ी चलाते हैं रू रू करके, तो पेट्रोल ढंग से करता नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लग जाएगी, तो इनको कन्वर्ट करता है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, ए का 4 आंसर, अच्छा ये तो बनाना है, ए का 4, बी का 3, ईयर मफ,
हाई नॉइस जैसे तुम एयर मफ यार वही होते हैं जो हेडफोन से लगा लेते हो ना, नॉइस कैंसिलेशन वाले भी एयर मफ होते हैं, ठीक है। और लैंडफिल्स आर सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को मेटल होल के डाल दो, ये होगा आंसर, आंसर 21। डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, कौन सा प्रोसेस है ये डीएनए का? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन का डब्बा बना है कौन सी पेज नंबर पे? लेफ्ट हैंड साइड में बीच में बना हुआ है सकर के डब्बा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी हुई है वहां पे, देख के बताओ पेज नंबर। ट्रांसक्रिप्शन पूछूंगी मैं कल, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। देखो बहुत सिंपल है ये, इसमें कंफ्यूजन ही होती है, कोडिंग क्या करता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या करता है, यही फंसते हैं। उसने क्वेश्चन में तुमसे यही पूछ लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, यानी डिफरेंशिएटर और डब्बा बनाओगे लेकिन ये आंसर नहीं लिख पाओगे अगर तुम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या डायग्राम बनाया जा सकता है? देख टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मैंने कहा था डेफिनेशन हो, एक तो इसकी डेफिनेशन लिखेगी टेम्पलेट स्टैंड की, एक लिखेगी कोडिंग स्टैंड की, दूसरा लिख देगी इनका फंक्शन, एक लिखेगी दूसरा लिख देगी फंक्शन, एक कोड करता है एक कोड नहीं करता, फिर दो ही तो पॉइंट हुए, दो मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें तो डायग्राम बना सकते हैं, कौन सा? जो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी हुई है ना, कौन से पेज नंबर पे? 108 पे, वो यूनिट यहाँ बना सकते हैं, तो देखने में इन दोनों में फर्क दिखाई दे, समझ आई? डिसीजन ना वहीं से लेनी पड़ती है। तो देख तेरे नहीं बन रहे ना, दो मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ दो पॉइंट लिख रहे हैं तो मतलब नहीं नंबर मिलेंगे, तो इसमें डायग्राम बन सकता था। ओके एक बार इसको रिकॉल करके आना, बहुत सिंपल है, कोडिंग जो नाम लिखा है वो कोड नहीं करता, ऐसे ही याद किया था हमने। इसी में एनसीईआरटी में पीछे देखना तुम्हें सीक्वेंस भी आ रखी है। हाँ बोल नमिता, बोल ले बाबू, बोल दे रही है, पीछे सीक्वेंस भी दे रखी है, पता क्या क्वेश्चन है? आप एनसीईआरटी में पीछे देखना, वहां पे दे रखा है आपको, उन्होंने सीक्वेंस दे रखी है एमआरएनए की, नहीं सीक्वेंस दे रखी है उन्होंने सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड की, और तुमसे पूछा है एमआरएनए की सीक्वेंस बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन है वो, लेकिन वो तब तक नहीं होगा अगर तुमको फर्क ना बताओ टेम्पलेट और कोडिंग में, सिर्फ इसको जानना जरूरी है और वो इस डायग्राम से आता है, ठीक है। तो एक बार इसे रिवाइज करके आओ, मैं इसी से लूंगी मॉक, लेकिन मॉक पढ़ गया ना, इससे बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके यो यो मैम, किसी को डाउट प्राणी? नो मैम। अच्छा कोई डाउट नहीं, देखो है आते हैं फिर। नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच इज व्हिच ऑफ द मेथड इज द बेस्ट। एनिमल ब्रीडिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कौन सा बेस्ट है। सिर्फ एक मेथड है जो डिटेल में पढ़ा है, मतलब टी वाई की मेथड मोइट, एम ओ ई टी, मोट। हाँ मौत, किसने बोला मौत? सबसे पहले किसने बोला था मोइट? मैम तो बोल रही है नेहा। यस हाँ गुड नेहा, मोइट जिसको हम प्यार से मौत बुलाते हैं, क्योंकि महिला महिला गाय के लिए तो मौत ही है, उसको अंडा बनाने की मशीन बना देते हैं हम लोग, है ना, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर हर, सो मोइट इज अ टेक्निक, नीट में भी आया हुआ है ये पीवाईक्यू में, और ये आपको नोट से ही करना है कि नोट्स में बहुत अच्छे से दे रखा है। एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है पता ना जरा, कौन सा पैराग्राफ है? मुझे जहां तक याद है राइट हैंड साइड पे नीचे कहीं लिखा था छोटे से पैराग्राफ में, मुझे ये ज्यादा याद है, देख के बताना। पेज नंबर 168 कहाँ लिखा है? नीचे अबे लेफ्ट राइट राइट साइड। हाँ ठीक है, फिर मुझे ठीक याद है, पेज नंबर 168। बहुत टाइम हो गया मैंने मौत को देखा नहीं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ना, ये मैं होती तो मैं इसको वैसे अवॉइड करती, लेकिन देख देते हैं। ऊजेनेसिस, अच्छा देख के बताओ फिर लगे हाथ को कि ज्यादा डिस्कस्टिंग कर पाएंगे, ये बता दो ये वाला करते हैं ये वाला करते हैं। 24th मैम, 24th वाला। इसमें नहीं, एक सेकंड, किसमें वो दे रखा है? नहीं सिलेक्शन इसमें देख रहा है यार, ऑप्शन इसमें है, क्या कर रहे हैं हम लोग भाई पागल, इन दोनों में बस। यो यो मैम, इन दोनों में है? यस मैम, ये वो जो आगे बढ़ा, हाँ इनमें से कौन सा करते हैं?
मैम लो देखो दोनों में से कोई भी कर सकते क्योंकि इनमें भी डेफिनेशन चाहिए इसमें भी डेफिनेशन चाहिए और इसने पूछा यहाँ पे क्रॉस बना देंगे और यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे तो अच्छे भी दोनों अच्छे क्वेश्चन है yes, ma'am. जिसको आता है जिसने भी पढ़ा वो कर सकते हैं मॉर थोड़ा डेंजरस था पर हाँ कंपल्सरी ये तो करना ही पड़ेगा ऊर्जा ने से सिंपल है ये कर सकते हो एक्सप्लेन द अरे भाई अब मेरे को बताओ 24 क्वेश्चन को कैसे करोगे रेज योर हैंड और बच्चे दो ही क्यों करेंगे और बच्चे और हाथ चाहिए और फाइव कैसे करेगी मैम सबसे पहले ऊजेनेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद मैम एक लाइन छोड़ेंगे उसके बाद डायग्राम लिखेंगे और इसकी डायग्राम बनाएंगे तो इसको डायग्राम मैम क्या बोला आपने हेडिंग क्या देगी डायग्राम को मैम ऐसा लिख सकते हैं फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ ऊजेनेसिस या फिर लिख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस करेक्ट फिर पूरा ऐसे डायग्राम बनाएगी ओवम की और उसके अंदर ऊजेनेसिस को बहुत बड़ा सा दिखाएगी तो ये तो तुम्हारा बेसिकली पूरा पेज ही आ जाएगा इसमें है ना देखिए बड़ा तो ऐसे में क्या करना पहले पेंसिल से अंदर का प्रोसेस बना देना ठीक है एंड में उसके बाद बाहर पेंसिल से कवर करना जब भी कोई डायग्राम बड़ा होता है ना तो हमेशा डायग्राम सेंटर से बना के बाहर की तरफ जाना होता है ठीक है तो ऐसे ट्राई बहुत अच्छा बन सकता है डायग्राम अच्छा आना चाहिए इसमें बनाना बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब से कर रहे हैं यार हम लोग तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डेफिनेशन सेम प्रोसेस मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किस किस में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्या क्या पहली हाँ क्रिमिनल को ढूंढना और दूसरा पेरेंटल टेस्ट है ना मैम ये रिलेशनशिप भी बताता है ह्यूमंस का एप्स के साथ हाँ आप स्टडी में यूज कर सकते तो इसमें स्टडी भी कर सकते हैं हम ब्लड कैंसर की पेरेंटल आप जानना चाहते हो वो तीसरा आप फाइलोजेनेटिक स्टडी लिख लो फाइलोजेनेटिक स्टडी का मतलब होता है कि हम जेनेटिकली कौन किस किंगडम से किस ग्रुप से हाँ फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ठीक है यो जो आपने बोला ना स्टडी में यूज करना है तो इसके लिए मैं रख सकती हूँ इन रिसर्च फील्ड में भी यूज कर सकती हूँ ना चाहे कैंसर की स्टडी है कुछ भी स्टडी है तो पॉइंट बना लेना हेडिंग अच्छी बना लेना बाकी उसके अंदर कहानी लिख लेना तो हेडिंग लिख लो ठीक है मैम हाँ बेटा बोल मैम जो अभी आपने क्वेश्चन ये बताए